डिसीजन प्रॉब्लम्स। अब हम कुछ डिसीजन प्रॉब्लम्स के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ एक एग्जाम्पल है। ए बिजनेसमैन हैज थ्री अल्टरनेटिव्स ओपन टू हिम, ईच ऑफ विच कैन बी फॉलोड बाई एनी ऑफ द फोर पॉसिबल इवेंट्स। ये हमको दिया हुआ है यहाँ पर। ये थ्री अल्टरनेटिव्स हैं एक्स वाई जेड, और इवेंट्स हैं चार ए बी सी डी। ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर हमें। द कंडीशनल पे ऑफ्स इन डॉलर, ये दिए हुए हैं हमें पे ऑफ्स कंडीशनल, ये दिए हुए हैं। फॉर ईच एक्शन इवेंट कॉम्बिनेशन आर गिवेन बिलो, ठीक ये गिवेन है। और इस तरह से के अल्टरनेटिव एक्स अगर हम एडॉप्ट करते हैं तो ये इवेंट्स होने पर हमको इतना इतना मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जीरो है यानी कि कुछ नहीं मिल रहा है, ये -10 है, तो ये जो है लॉस है, ठीक है। यानी कि -10 हमको मिल रहा है, यानी कि $10 का लॉस है। इस तरह से ये अल्टरनेटिव वाई के साथ में ये है, जेड के साथ में ये है, या फिर हम ऐसे कह लें कि इवेंट ये ए रहने पर अगर हम ये डिसीजन लेते हैं तो हमको ये मिल रहे हैं, बी इवेंट से ये, सी से ये, डी से ये मिल रहे हैं, ठीक है। और जहां नेगेटिव है तो वहां पे वो लॉस है। डिटरमाइन विच अल्टरनेटिव द बिजनेसमैन शुड चूज इफ ही एडॉप्ट्स द मैक्सिमम क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया से हमें डिसीजन लेने के लिए ये कह रहे हैं, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमारे करने का तरीका है, हम अल्टरनेटिव्स को तो इधर रखते हैं और इवेंट्स को हम इधर रखते हैं, तो इसको हमने ट्रांसपोज करके यहां पे उतार लिया। ट्रांसपोज करके ये अल्टरनेटिव एक्स वाई जेड यहां से यहां आ गए, और ये इवेंट्स जो हैं यहां से यहां आ गई, और इसको ट्रांसपोज करके यहां पे हमने लिख दिया। ये हमारा तरीका है। अब इसमें हमने देखे मिनिमम पे ऑफ्स एक्स में, इन सभी वैल्यूज में मिनिमम ये है -10 लिख लिया, वाई में इन सभी वैल्यूज में मिनिमम ये है -4 ये लिख लिया, जेड के इन सभी में मिनिमम ये 0 है ये लिख लिया, और इन सभी में जो मैक्सिमम है वो ये है 0, क्योंकि नेगेटिव वाले तो कम होते हैं 0 से, तो इन सभी में मैक्सिमम ये आ गया 0, यहां पे लिख दिया। तो इस तरह से हमें ये 0 मिला है मैक्सिमम ऑफ मिनिमम पे ऑफ्स। ये 0 मिला है हमें किसके लिए, जेड के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया हमारा ऑप्टिमल डिसीजन ये जेड होगा। वी ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम पे ऑफ इज ऑब्टेन्ड फॉर अल्टरनेटिव जेड, हेंस अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम क्राइटेरिया अल्टरनेटिव जेड शुड बी अडॉप्टेड, ठीक है। तो आंसर तो इसका यहां पे हो गया, पर नोट में ये हमने कुछ और चीजें समझाई हैं कि अगर मिनीमैक्स क्राइटेरिया से ये निकलवाते, मिनीमैक्स कह लो या मिनमैक्स कह लो, तो ये मिनिमम ऑफ मैक्सिमम पे ऑफ्स, इन सब के हमने मैक्सिमम पे ऑफ लिखे, मैक्सिमम पे ऑफ्स एक्स का इन सभी में मैक्सिमम ये है 8 हमने लिख लिया, वाई में इन सभी में मैक्सिमम ये 18 लिख लिया, जेड में इन सभी में मैक्सिमम ये 14 हमने यहां पे लिख लिया, और इन सभी में मिनिमम, इन सभी में मिनिमम ये है ये यहां पे लिख लिया। तो ये हमको मिल गया मिनिमम ऑफ मैक्सिमम पे ऑफ 8 मिला है अल्टरनेटिव एक्स के लिए। तो वी ऑब्जर्व दैट मिनीमैक्स पे ऑफ इज ऑब्टेन्ड फॉर अल्टरनेटिव एक्स, हेंस अकॉर्डिंग टू मिनीमैक्स क्राइटेरिया अल्टरनेटिव एक्स शुड बी अडॉप्टेड। अगर ये पूछते तो हम इस तरह से करके ये आंसर देते, पर पूछा नहीं है इसलिए नहीं करेंगे। और अगर हम इसमें करना चाहें, अगर पूछा जाए एग्जाम में, तो मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया से, मिनीमैक्स कह लो या मिनमैक्स कह लो एक ही बात है, ये है मिनिमम ऑफ मैक्सिमम रिग्रेट्स वाला क्राइटेरिया। तो इसमें पहले तो रिग्रेट यानी कि अपॉर्चुनिटी लॉस की हम टेबल बना लेंगे, जो कि आगे बनाई हुई है, मैं दिखाता हूं। तो इवेंट ए में जो मैक्सिमम है 14, उस 14 में से ये सारे सब्ट्रैक्ट करके लिखे जाएंगे। इसी तरह से इवेंट बी सी डी में करके लिखे जाएंगे, आगे मैं रिग्रेट टेबल में दिखा रहा हूं। तो ये हमारी बन गई
रिग्रेट टेबल, इसमें अल्टरनेटिव्स एक्स वाई जेड यहां है, इवेंट्स ए बी सी डी यहां है। तो इवेंट ए में जो पूरे में देखने पर जो मैक्सिमम 14 था उसमें से सारे एलिमेंट्स यहां पे 8 था, यहां पे 4 था, वो माइनस 4 था, यहां पे 14, वो सारे यहां पे सब्ट्रैक्ट किए, ये माइनस माइनस प्लस हुआ है, तो ये हमें रिग्रेट ये इतने मिल गए। बी में मैक्सिमम 12 था, 12 में से उसके सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करते हुए ये लिख दिए, तो हमें ये रिग्रेट्स यानी कि अपॉर्चुनिटी लॉस मिल गए। सी में ये वैल्यू मिल गई मैक्सिमम 18 में सब्ट्रैक्ट करके, डी में मैक्सिमम 8 में से वो सारी पे ऑफ सब्ट्रैक्ट करके हमें ये मिल गई। तो ये हमारी रिग्रेट टेबल है। और अब इसमें देखें हम मैक्सिमम रिग्रेट्स, एक्स के सारे रिग्रेट्स में मैक्सिमम है 28, वो हमने यहां पे लिख लिया। वाई के सारे रिग्रेट्स में से मैक्सिमम 18 लिख लिया। जेड के सारे रिग्रेट्स में से 18 यहां पे लिख लिया। और इन सभी रिग्रेट्स में जो मिनिमम है ये दो है, इन तीनों में मिनिमम ये दो है, दोनों पे मिनिमम लिख दिया। तो ये हमें मिल गए मिनिमम ऑफ मैक्सिमम रिग्रेट्स जो कि मिले हैं बाई और जेड के लिए। तो ये ऑप्टिमल डिसीजन हो जाएंगे इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, यहां पे ये लिखा हुआ है। इसी तरह से हम अगला एग्जाम्पल करेंगे, ये फॉर्मुलेशन की प्रॉब्लम है, इसमें पहले हम टेबल बनाएंगे बाद में मेथड लगा के सॉल्व करेंगे। तो इसमें कहा गया है ए मैन्युफैक्चरर मेक्स ए प्रोडक्ट ऑफ विच द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट इज ए केमिकल एक्स। तो इसको साथ के साथ मैं यहां पर दिखाता जाऊंगा जिससे कि बार बार हमें ये ना पढ़ना पड़े। ये एक्स हमने यहां पे लिखा हुआ है। एट द मोमेंट द मैन्युफैक्चरर स्पेंड्स रुपीज 1000 पर ईयर ऑन सप्लाई ऑफ एक्स। 1000 इसमें स्पेंड करते हैं, ये कॉस्ट आ रही है, यानी कि प्रॉफिट हो गया -1000। तो ये हमने यहां पे लिखा हुआ है। अभी ये इस जगह कैसे लिखा है ये अभी मैं समझाऊंगा इस पूरी टेबल को। बट देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट द प्राइस मे सून इंक्रीज टू 4 times इट्स प्रेजेंट फिगर बिकॉज ऑफ ए वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज ऑफ द केमिकल। अब ये बात यहां पे दिखाई है, दो स्टेट्स ऑफ नेचर हो गई हमारी। तो ये N1 और N2 इनको नाम दिया है। तो एक तो स्टेट ऑफ नेचर ये है कि प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस और दूसरा प्राइस ऑफ एक्स डज नॉट इंक्रीज। जब ये इंक्रीज नहीं होती है तो इसमें तो ये हमने ये लिखा था यहां पे जो अभी बताया था। और अगर एक्स की प्राइस इंक्रीज होती है तो इस केस में 4 times हो जाता है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके हमने ये यहां पर लिखा हुआ है। अब आगे देखें दूसरी चीज और है। देयर इज एनोदर केमिकल वाई विच द मैन्युफैक्चरर कुड यूज इन कंजंक्शन विद ए थर्ड केमिकल जेड, यानी वाई और जेड को एक साथ मिला के यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गिव द सेम इफेक्ट एज केमिकल एक्स। तो ये हमारे अब कोर्स ऑफ एक्शन दो हो गए, S1 और S2। S1 हमने माना है कि यूज वाई एंड जेड बोथ, और S2 माना है यूज एक्स। तो इसके बारे में लिखा है केमिकल्स वाई एंड जेड वुड टूगेदर कॉस्ट द मैन्युफैक्चरर ₹3000 पर ईयर बट देयर प्राइसेस आर अनलाइकली टू राइज। चाहे स्टेट ऑफ नेचर ये रहे चाहे ये रहे, इसकी तो कॉस्ट 3000 ही आएगी, यानी कि प्रॉफिट हो गई -3000। दोनों ही स्टेट ऑफ नेचर में हमने ये लिख लिया। तो इस तरह से हमारी ये पे ऑफ टेबल बन गई। ठीक है, यहां से आगे कह रहे हैं व्हाट एक्शन शुड द मैन्युफैक्चरर टेक, क्या एक्शन लेना चाहिए और किस मेथड से लेना चाहिए, ये बात भी कह रहे हैं। अप्लाई द मैक्सिमम एंड मिनिमैक्स क्राइटेरिया फॉर डिसीजन मेकिंग एंड गिव 2 sets ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये दो क्राइटेरिया बता दिए, तो सॉल्यूशन के 2 set तो हम यहां पर दे देंगे। फिर आगे ये कह रहे हैं इफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इज 0.4 जो हमने अल्फा लिया था, फाइंड कोर्स ऑफ एक्शन दैट मिनिमाइजेस द कॉस्ट। तो तीसरा इस मेथड से और करवा रहे हैं, तो ये 3 criteria से यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये इसके डेटा सारे समराइज्ड इन द फॉलोइंग टेबल, नेगेटिव फिगर्स इन द टेबल रिप्रेजेंट प्रॉफिट इन रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम क्राइटेरिया हम देखेंगे, तो इन पे ऑफ्स में हमने पहले देखा
मिनिमम पे ऑफ्स, उनका देखेंगे मैक्सिमम। तो इसमें मिनिमम, इन दोनों में, ये दोनों बराबर हैं, ये आ गया, इन दोनों में मिनिमम ये आ गया। देखो अगर हम नेगेटिव साइन हटा दें तो इन दोनों में मिनिमम ये है 1000, और नेगेटिव साइन लगा दिया तो फिर वो उल्टा हो जाता है, मिनिमम ये हो गया, ये यहां पे लिख लिया, और इन दोनों में मैक्सिमम ये है, नेगेटिव साइन हटा के देखते तो मैक्सिमम ये है 3000 4000 में से, नेगेटिव साइन लगा के देखा तो इसका उल्टा हो गया, इन दोनों में मैक्सिमम ये है जो कि किसके लिए मिल रहा है, S1 के लिए। तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये S1 हमारा ऑप्टिमल डिसीजन हो जाएगा। हेंस अकॉर्डिंग टू मैक्समिन या मैक्सिमिन क्राइटेरिया, यानी मैक्सिमम ऑफ मिनिमम पे ऑफ्स क्राइटेरिया से कोर्स ऑफ एक्शन S1 शुड बी टेकन, दैट इज केमिकल्स Y एंड Z शुड बी यूज्ड। ये हमारा आंसर हो गया इसका। दूसरा क्राइटेरिया कहा गया है इसमें मिनिमैक्स क्राइटेरिया। तो ये दो होते हैं, एक तो मिनिमैक्स पे ऑफ और एक मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया। तो दोनों में से किसी से कर सकते हैं, और अगर रिस्क ना लें तो एग्जाम में दोनों से करके दिखा दें, दोनों का नाम अलग अलग लिख के, ठीक है। तो मैं यहां पर कर रहा हूं ये रिग्रेट वाले से, तो इसके लिए हमने रिग्रेट टेबल बनाई, रिग्रेट या अपॉर्चुनिटी लॉस कह सकते हैं, एक ही बात है। तो इसके लिए हम देखें, इन दोनों में मैक्सिमम ये है, इसमें से हमने ये सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों जब इसमें से यही सब्ट्रैक्ट किया तो ये जीरो आ गया, और ये इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस माइनस प्लस होके प्लस 4000 हुआ, तो ये 1000 रह गया। इन दोनों में मैक्सिमम ये है, ये हमने लिख लिया यहां पे भी और यहां पे भी, और इसमें से सब्ट्रैक्ट ये किया यहां पे लिखा तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस होके, और इसमें से जब यही सब्ट्रैक्ट किया तो जीरो आ गया, ये हमारी रिग्रेट टेबल बन गई। और इन दोनों में मैक्सिमम देखा ये आ गया, इन दोनों में मैक्सिमम देखा तो ये आ गया, ये हमने मैक्सिमम रिग्रेट्स देख लिए, और इन दोनों मैक्स दोनों वैल्यू में से मिनिमम ये वाली है लिख दिया, ये मिली है हमको S2 के लिए, जो मिनिमैक्स रिग्रेट मिला है, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम रिग्रेट्स जो हमें मिला है वो ये 1000 फॉर S2। हेंस अकॉर्डिंग टू मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया कोर्स ऑफ एक्शन S2 शुड बी टेकन, दैट इज केमिकल X शुड बी यूज्ड। तीसरा ये अल्फा की वैल्यू दे रखी है, तो हार्विस क्राइटेरिया से निकलवाया गया है उसका ये फॉर्मूला, ये H इक्वल टू कोफिशेंट ऑफ ऑप्टिमिज्म अल्फा, जिसकी वैल्यू 0.4 दे रखी है, इनटू मैक्सिमम पे ऑफ प्लस 1 माइनस अल्फा, ये 1 माइनस 0.4 0.6 हो गया, इनटू मिनिमम पे ऑफ ये हम करेंगे, गिवन दैट कोफिशेंट ऑफ ऑप्टिमिज्म दैट इज अल्फा इक्वल टू 0.4, सो कोफिशेंट ऑफ पेसिमिज्म 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0.6। सो एच ऑफ एस वन, एस यहां पे पहले तो मैं यही लिख दूं, अल्फा की जगह 0.4 इंटू ब्रैकेट में मैक्सिमम पे ऑफ लिखूंगा, प्लस 1 माइनस अल्फा की जगह पे ये 0.6 इंटू मिनिमम पे ऑफ लिखूंगा S1 के लिए। तो ये S1 के लिए ये दो पे ऑफ हैं, दोनों ये बराबर हैं, मैक्सिमम भी यही है मिनिमम भी यही है, तो दोनों में हमने यही लिख दिया। फिर इसी तरह से जब हम S2 के लिए लिखेंगे तो ये दो हैं, तो इन दोनों में ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, ये हमने लिख लिए पहले S1 के लिए जो अभी दिखाए थे ये लिख लिए, कैलकुलेट करके ये आ गया, और S2 के लिए वहां जो अभी मैंने दिखाया था मैक्सिमम ये और मिनिमम ये, यहां पे लिख के कैलकुलेट करके ये आ गया, और इन दोनों में मैक्सिमम ये वाला है, नेगेटिव साइन हटा के देखें तो मैक्सिमम ये है पर नेगेटिव साइन के साथ उल्टा हो गया, ये मैक्सिमम हो गया लिखा हुआ है जो कि मिला है हमें S2 के लिए। हेंस अकॉर्डिंग टू हार्विस क्राइटेरिया कोर्स ऑफ एक्शन S2 शुड बी टेकन, दैट इज केमिकल X शुड बी यूज्ड। इसी तरह से आप अपनी बुक से एग्जाम्पल करें, ज्यादा से ज्यादा सवाल करें और प्रॉब्लम पूछें, अच्छे से करें।